रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल व करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं खाले पर, देहात में हैं, विलेज में हैं। तो व्यूअर्स, आपको बताते चले कि हमारे इलाके में जो है खारा पानी है, मीठा पानी नहीं है, खारा पानी है, कड़वा पानी होता है, तो हमें कपड़े धोने में बहुत मुश्किल पैदा होती है, क्योंकि उसमें खारे पानी में कपड़े साफ़ नहीं होते। और ये नहरी पानी जो है हमारे पास हफ्ते के बाद आता है संडे को, क्योंकि हमारी बारी होती है पानी लगाने की, हम फसलों को भी पानी देते हैं और उसके अलावा हम अपने कपड़े वगैरह भी धो लेते हैं। घर में भी कुछ थोड़े बहुत धोते तो रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ लेकिन ज़्यादा कपड़े जो होते हैं हम इकट्ठा कर लेते हैं और 8 दिन के बाद संडे को हम जो है वो खाले पर ही धोते हैं। आज हम खाले पर मौजूद हैं और कपड़े धो रहे हैं, तो हमने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करते चले कि हम विलेज में कैसे कपड़े धोते हैं और स्टार्ट करते हैं कपड़े धोना, और इसके साथ साथ आपसे बातें भी होती रहेंगी और हम कपड़े भी धो लेंगे। जैसे कि पहले हम सबसे पहले जो है एक थाल पानी का भरेंगे और उसे हल्दी पर गिरा देंगे। एक थाल पानी का भरेंगे आराम से और उसमें हम डालेंगे सर्फ। अब हम इसमें कपड़े भिगोएंगे। तभी बस इसके साथ साथ हम आपसे बातें भी कर रहे हैं, तो हम आपसे एक बात शेयर करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि हम जो इस चैनल के ज़रिए लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, जो बेचारे इस मुल्क की बेटियां हैं और ख़ास तौर पे वाहिद माँ बाप की जो एक अकेली बेटी है, वो घर से बाहर जाकर तो ज़्यादा काम नहीं कर सकती और वो अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहती है और अपने वालदैन के लिए कुछ करना चाहती है। तो विवर्स वो बहुत मेहनत करती है और मेहनत कुशल लड़की है और बहुत मेहनत कर रही है और लड़की है, इस वजह से किसी फैक्ट्री में जाना या किसी कहीं मुलाजमत करना तो एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो मैं कल उससे मिली तो मैंने उससे बात की, तो मेरा दिल चाहा कि मैं उसकी मदद करूं, तो मैं उसकी मदद करना चाहती हूं ताकि हम इस चैनल के ज़रिए ऐसे लोगों की मदद कर सकें जो बेचारे मदद के हम इस रोज़गार के मदद के अहल हैं। तो व्यूअर्स, मैं आपको उसने एक चैनल बनाया हुआ है जिसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वीडियो को देखने के बाद आप उसके चैनल को और उसके वीडियो को ज़रूर देखें और उसके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका सिर्फ एक मिनट सिर्फ आपका उसकी ज़िंदगी बदल सकता है और वो घर ही में बैठकर अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सकती है, क्योंकि वो अकेली है, उसका ना भाई है और ना सब उसके सिर्फ माँ बाप हैं, बूढ़े माँ बाप हैं और वो अकेली माँ बाप का सहारा बनना चाहती है। तो आपकी मेहरबानी होगी अगर आप उसका हमारे साथ तआवुन करें और उसकी हमारे साथ मदद करें, तो हमें भी खुशी होगी कि हमने किसी बच्ची की मदद की है। तो प्लीज़ आराम से बेटा, अब इस पर हम साबुन लगाएंगे ऐसे करके। देहात में जो कपड़े धोने का तरीका होता है वो अलग होता है और शहरों में जो होता है वो अलग होता है। शहरों में तो मशीन से कपड़े धोए जाते हैं, मशीन में डाले जाते हैं और उससे निकाल कर नचोड़ कर सुखाया जाता है, लेकिन देहात में जो कपड़े होते हैं वो ज़्यादा गंदे होते हैं, क्योंकि इसीलिए हम बुरश का भी इस्तेमाल करते हैं और बच्चों के कपड़े तो ज़्यादा ही गंदे होते हैं, ख़ासतौर पर हसीब के कपड़े जो होते हैं बहुत गंदे होते हैं, इसलिए हमें बुरश का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। हो जाता है।
के मुझे आज एक बहन का और भी शुक्रिया अदा करना है, राफिया बाजी जो विलिट फ्रूट चैकी में जिसका चैनल है, तो मैं उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज जिस मकाम पर हूँ मैं, आज जिस मकाम पर हूँ इसमें उसका भी काफ़ी हाथ है, उसने भी हमारी काफ़ी मदद की, तो मैं उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। बोलिए अब इसको हम सुखाने के लिए डालेंगे, देखिए कैसे हम डालते हैं। अब हम इन्हें डालेंगे रस्तों के ऊपर और ये हवा के जरिए हो जाएंगे। ये देखिए तभी बस कपड़े तो धुलते रहेंगे और काम भी होता रहेगा, क्योंकि ये तो रूटीन का काम है, हम करते रहेंगे और अगली वीडियो हम इंशाल्लाह अच्छी बनाएंगे, इससे भी ज़्यादा अच्छी बनाएंगे कि विलेज के बारे में कुछ सोच रहे हैं कि बनाएं। तो इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। मेहरबानी, खुदा हाफिज़।